मुझे शांति से अपनी वाइफ को किस करने दो यार। हे मोटू, मेरी हालत जानकर मुझे किडनैप किया है। हे, ये मेरी पहली फीचर फिल्म है, आज फर्स्ट डे शूट है, जाने दो ना मुझे। हे, हेल्प, 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 कोई है यार? तो हेल्प, हेल्प। ए फिल्म मेकर, अगर तूने अपना मुंह बंद नहीं किया ना, तो तेरे मुंह में कपड़ा ठूस कर यहीं पर तुझे लटका दूंगा, समझ लेना। आजाद होना है? तुझे क्या लगता है कि तू चिल्लाएगा और यहाँ तुझे कोई आजाद करने आएगा? ब्रांडो हूँ, मार्लन ब्रांडो, तू यहाँ से नहीं जा पाएगा। मुन्ना वहाँ क्या कर रहे हो? आ जाओ, तुम इधर आ रहे हो या नहीं? अंकल। क्या हुआ मुन्ना? मैंने स्कूल से आते वक्त एक पोल पे बंधा रंगीन कपड़ा देखा, लोग उसे खींच रहे थे। वो लोग ऐसा क्यों कर रहे थे? यार स्वतंत्रता दिवस है, इसीलिए स्कूल में झंडा फहराया गया। स्वतंत्रता दिवस? इसका मतलब? मतलब मैं कैसे समझाऊं तुम्हें, तुम जो चाहो वो कर सकते हो, कोई भी तुम्हें नहीं रोकेगा, यही स्वतंत्रता होती है। अच्छा, इसलिए झंडा फहराया गया, तो अब मैं भी आजाद रहूंगा ना? जरूर बेटा, मुझे ढेर सारी मिठाई मिलेगी, मैं खुश रहूंगा, भीख नहीं मांगूंगा। हाँ हाँ, तुम भी खुश रहोगे। दीदी दीदी, हम भी झंडा फहराए ताकि भीख ना मांगनी पड़े। अच्छा भाई, हमें इसे क्या मिलेगा? भैया ये कपड़ा बांधने में मदद करोगे? थैंक्स भैया। हाँ सब तैयार। हाँ, एक 500 लोगों का खाना बन जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अरे वाह, मैं आजाद हो गया, आजाद हो गया, मैं आजाद हो गया दीदी, ये। तेरी तो नहीं भाई। बेवकूफ, भीख मांगना छोड़कर तू यहाँ झंडे फहरा रहा है? हाँ नहीं भाई, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, माफ कर दो, अब मैं झंडा नहीं फहराऊंगा, मुझे छोड़ दो, छोड़ दो भाई, दर्द हो रहा है भैया, मत मारो मुझे। हो जा, अभी दिखाता हूँ, देख देख अब मैं क्या करता हूँ, ये ले। मरम बना बना, चल छोड़ दो भैया, छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो। माफ कर दो भैया, गलती नहीं करूंगा। अगर कल मुझे पैसे नहीं मिले ना, तो मैं तुझे दूसरे धंधे में डाल दूंगा। भैया बहुत दर्द हो रहा है भैया।
भाई भाई आज जोड़ता हूँ, ये तुम्हारा गलती नहीं करेंगे, इन्हें छोड़ दो भाई, इन्हें छोड़ दो भाई। नमस्कार भाई, हाँ सब तैयार है, आप यहाँ आकर झंडा फहरा दीजिए बस। हाँ किताबें और 100 बच्चों के लिए पेंसिल तैयार है। हाँ भाई हाँ, आ जाइए आ जाइए। हाँ मुझे भी बच्चों से बहुत प्यार है। हाँ बस आप जल्दी आ जाइए, आपका इंतजार है। आगे से ध्यान रखना। अच्छा तो झंडा फहरा कर मैं भी आजाद हो जाऊंगा, मैं खुश रहूंगा और भीख कभी नहीं मांगूंगा। जी मुझे भीख दे दो। अब कथे ये कैसी मूवी है भे? बेवकूफ कहीं के, तुम लोग किसी काम के इंसान नहीं हो, ऐसी बकवास फिल्म बनाते हो तो मैं जीने का हक नहीं है। नमस्कार। यहां आए हुए सभी जर्नलिस्ट की तरफ से आपकी शॉर्ट फिल्म जिसे कांस फिल्म फेस्टिवल में स्टैंडिंग ओवेशन मिला, इसलिए मैं आपको बधाई देता हूं। मेरी तरफ से और मेरी टीम की तरफ से मैं अब सभी को धन्यवाद देता हूं। सर क्या आप अपने इस फिल्म और आने वाली फिल्मों के बारे में कुछ बताएंगे? अडिमई सुधींद्रम मेरी डायरेक्शन की हुई आखिरी फिल्म है। दरअसल ये मेरे असिस्टेंट का आइडिया था कि हम इसे कैजुअल और प्रमोशन फ्री करें। वैसे हमने इस फिल्म को 2 दिन में बनाया है, लेकिन किस्मत से ये फिल्म पॉपुलर हो गई। उससे पहले बटरफ्लाई, वील विंद विरल कदंद और फिर 3 मंकीज, ये 3 फिल्में जल्दी जल्दी में बनाई हैं। अगर मुझे आज बड़े हीरो के साथ या बड़े बजट की फिल्म बनाने का मौका मिला है तो उसका कारण सिर्फ ये बटरफ्लाई और वील विंद विरल कदंद, ये 2 मूवीज हैं। ओके सर, आप मूवी के बारे में कुछ बताएंगे सर? उसका टाइटल क्या होगा? ये आर्ट फिल्म है या फिर थ्रिलर है या फिर एक्शन मूवी है, रोमांटिक है, क्या है सर? टाइटल तो अभी डिसाइड नहीं हुआ है, बट ये कंप्लीट कमर्शियल मूवी है। इसमें एक्शन, सेंटिमेंट और जिस रोमांस के बारे में आपने पूछा वो भी है। लेकिन सर आप कमर्शियल फिल्म से कहीं अच्छी रियलिस्टिक मूवी बनाते हैं और आपको कांस फिल्म फेस्टिवल में अवार्ड भी मिला है। बट कमर्शियल मूवी जब हिट होती है तभी हम सर्वाइव कर पाते हैं। ऑडियंस भी तो कमर्शियल मूवी देखना पसंद करती है। अरनमनाई बहुत हिट थी लेकिन अरण्यकंदन नहीं हो पाई, इसका हमें कोई आइडिया नहीं होता है। आप इतने बड़े स्टार और इतने बड़े बजट के फिल्म बनाने जा रहे हैं, इस बारे में आपकी क्या राय है? मैंने कभी सोचा नहीं था कि इतने बड़े स्टार के साथ मैं अपनी फिल्म बनाऊंगा। पहले तो मैं इनका धन्यवाद करना चाहता हूँ, मुझसे जो इनकी उम्मीदें हैं उस पर खरा उतरना ये मेरा सबसे पहला काम रहेगा। तो आप अपना रास्ता खुद बनाएंगे? मेरे लिए इसके मायने अलग हैं। सर आपकी फिल्म का बजट क्या है? इसका बजट लगभग 50 करोड़ होगा और हम इसे ग्रांट बनाएंगे, इससे लगभग 100 करोड़ का बेनिफिट होगा। डायरेक्टर सत्या के बारे में कुछ बताइए। सत्या बहुत काबिल डायरेक्टर है, आपको फिल्म देखने के बाद समझ में आ जाएगा। इस फिल्म की कहानी इन्होंने मुझे 2 घंटे में सुनाई थी। जब मैंने पूरी कहानी सुनी तो खुशी से इन्हें गले लगा लिया था। अच्छा तो प्रमोशन आप रॉकेट पर पेंट करके करेंगे सर? ये किस तरह की फिल्म है सर? ये किसी विशेष समुदाय पर आधारित है? आप किसी समुदाय को टारगेट तो नहीं कर रहे हैं? सर ये कमर्शियल मूवी है, बस और कुछ नहीं। इट्स अ कंप्लीट मसाला मूवी, इससे कोई मैसेज नहीं मिलने वाला, ना ही किसी समुदाय पर फोकस हो रहा है। मजे से देखिए और मजे उठाइए, बस और कुछ नहीं। आजकल कमर्शियल फिल्मों में स्टोरी ही कहाँ होती है, गाने, एक्शन, कॉमेडी, यही सारी चीजें तो भरी होती हैं इसमें। और फिर अगर कोई सवाल किया जाए तो कहते हैं कि पब्लिक की डिमांड है और हमें चुप करा दिया जाता है। तो ये मूवी कब रिलीज हो रही है सर? कल सुबह सुबह ही फर्स्ट शेड्यूल स्टार्ट करने वाले हैं, दीपावली में रिलीज करने का प्लान है। और यहाँ आए हुए सभी पत्रकारों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, मैंने एक छोटा सा गेट टुगेदर अरेंज किया है, आप लोग खाना खाकर जाइएगा। धन्यवाद। ठीक है सर, मैं यहाँ की अरेंजमेंट देखकर यहाँ से निकल जाऊंगा। देखो सत्या, हमारी इस फिल्म के तुम हीरो भी हो और डायरेक्टर भी हो, फिर भी मैंने अभी तक तुमसे कहानी के बारे में नहीं पूछा। इसकी स्टोरी लाइन सुनकर ही मैंने तुम्हें हाँ कह दिया था। तुम्हें तो पता ही है कि बजट ज्यादा नहीं है,
मेरी हालत ठीक नहीं है, दो फिल्में फ्लॉप हो चुकी हैं, तुम्हारे भरोसे पर मैंने लोन लिया है, ध्यान रखना। सर यकीनन मैं आपका भरोसा टूटने नहीं दूंगा, मैं शूटिंग अरेंजमेंट देख के निकल जाऊंगा सर। ठीक है तो मैं चलूं। ओके सर, स्टोरी बोर्ड सर। कैमरा डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म कर दिया? जी सर। कल मेरे सारे सपने सच होने वाले हैं, सच में मुझे बहुत टेंशन हो रहा है। टेंशन मत लीजिए सर, हमें सिर्फ कैजुअल रहना है। ठीक है, कल सुबह 6 बजे घर पे आ जाना, हमें कुछ चीजें लेनी है। ओके सर। अच्छा सुनो। हाँ सर। अपना बैग बदल दो यार, काफी पुराना हो गया है। मैं कल बदल दूंगा सर। ठीक है, तुम जाओ। हाँ बोलो सभी। क्या कर रहे हो? प्रेस मीटिंग अभी खत्म हुई है, कल के शूट की तैयारी कर रहा था। क्यों, इसके बारे में बताया था ना तुमको? मेरे घर आ सकते हो अभी? अभी मैं तो अभी बिजी हूँ। ठीक है, बाद में आ जाना। एनीथिंग इम्पोर्टेंट? बस काम खत्म करके आ जाना। सावी, सावित्री कहाँ चली गई है? कहाँ थी तुम? सब्जी काटते हुए मेरा हाथ कट गया था, इसीलिए मेडिसिन लेने गई थी बाहर। फर्श पर मैंने खून की बूंदें देखी, इसलिए मैं परेशान हो गया था। फोन कर देती मैं यहाँ तुम्हारी हेल्प के लिए आ जाता। फोन किया था, स्विच ऑफ आ रहा था। हाँ, बैटरी खत्म हो गई थी। कुछ जरूरी हो तो बता दिया करो। पहले फ्रेश हो जाओ, बताती हूँ, तब तक मैं डिनर बना लेती हूँ।
एक मिनट रुकना भाई। जय हो काली माता। ए, ये लोग ना कभी नहीं बदलेंगे, इनकी वजह से एक्सीडेंट होते हैं। बेवकूफ कहीं के। हाय सावी, मैं निकल गया हूँ। मैं शूट पर फोन पिकअप नहीं कर सकता। टेक केयर, लव यू, बाय। और मुझे किडनैप क्यों किया है? आज मेरे शूट का पहला दिन है और पहले लेट हो चुका हूं। क्यों किडनैप किया है तुमने मुझे? मुझे गलती से किडनैप किया है। मैं कोई रईस ज्यादा नहीं हूं। I'm just a filmmaker. तुम क्या सत्यजीत रे हो? कौन सी बड़ी फिल्म बनाई है तुमने? चार छोटी फिल्में बना दी हैं, तो खुद को फिल्ममेकर बोल रहे हो? हे मोटू, मेरी हालत जानकर मुझे किडनैप किया है? हे, ये मेरी पहली फीचर फिल्म है, आज फर्स्ट डे शूट है। जाने दो ना मुझे। हे, हेल्प! 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 कोई है यार? तो हेल्प! हेल्प! ए फिल्म मेकर, अगर तूने अपना मुंह बंद नहीं किया ना, तो तेरे मुंह में कपड़ा ठूस कर यहीं पर तुझे लटका दूंगा, समझ लेना। आजाद होना है? तुझे क्या लगता है कि तू चिल्लाएगा और यहां तुझे कोई आजाद करने आएगा? ब्रांडो हूं, मार्लन ब्रांडो। तू यहां से नहीं जा पाएगा। Thank you.
रे, पता नहीं ये कौन है। आपसे कोई गलती हुई है? तुम्हारी आंखें छोटी बच्ची फूलों की पंखुड़ियों की तरह हैं, जो खिलते ही अलग हो जाती हैं। तुम्हारी नाजुक और कोमल हाथों की आवाज वीणा से निकलने वाली पवित्र धुन जैसी है। आज हमारे चीफ गेस्ट जी लोगों के बीच अपने विचार व्यक्त करेंगे। आइए सर, कुछ कहिए। आई डोंट लाइक। कैसे हो डायरेक्टर सत्या? मेरा मजाक उड़ा रहे हो? तुमने मुझे किडनैप किया और मेरा हालचाल पूछ रहे हो? कम से कम इतना तो बता दो कि कौन हो तुम? तुमने मुझे यहाँ किडनैप क्यों किया है? आज मेरा फर्स्ट डे शूट है, पूरी यूनिट मेरा इंतजार कर रही होगी। प्लीज मुझे जाने दो ना। सत्या डरो मत, हम तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। मैंने सुना है कि तुमने 4 शॉर्ट फिल्में बनाई है ना? मुझे इसमें कुछ डाउट है। डाउट? ए, बेवकूफ, ये डाउट क्लियर करने का टाइम है क्या? तुम साइको हो क्या? आज मेरा फर्स्ट डे शूट होने वाला है। अरे यार, कितना लेट हो चुका है, हीरो स्पॉट पर पहुंच गया है, मुझे जाने दो प्लीज। अरे थोड़ा शांति से बैठ, तेरे साथ बात करूंगा। एक ही बात को रिपीट क्यों कर रहा है? जितना पूछता हूँ उतना जवाब दे, क्लियर होने के बाद चले जाना, नहीं तो वहाँ देख चाकू और रस्सी दोनों लटक रही है, समझ गया? प्लीज आज के लिए बस जाने दो मुझे, तुम्हारा डाउट किसी और दिन क्लियर कर दूंगा। तुम फ्री होकर मेरे घर आ जाना, हम दोनों चाय कॉफी पीते हुए आराम से बात करेंगे। लगता है तुझे ऊपर लटकाना ही पड़ेगा। ए मोटे, तुझे लगता है मैं डर जाऊंगा? कोई मेरी मदद करो, हेल्प हेल्प। तेरे अच्छे वक्त की वजह से निशाना नहीं चूका, बल्कि बुरे वक्त में मेरा निशाना नहीं चूकता। गुड बाय। सत्या कहाँ रह गया? सर वो रास्ते में है, जल्द ही आते होंगे, मुझे नहीं पता कहाँ। पहले उसे फोन करके पूछो कहाँ है, यहाँ पहले ही बहुत टेंशन है। कुल मिलाकर तुमने फिल्म डायरेक्ट की है, कलकत्ता न्यूज, शातिर गद्दार, 3 मंकीज, कातिल और बटरफ्लाई। बटरफ्लाई अच्छा टाइटल है। ओके, पहले हम कलकत्ता न्यूज और शातिर गद्दार पे डिस्कशन करेंगे, ठीक है? वो तुमने ही डायरेक्ट की है ना, जितनी जल्दी जवाब दोगे उतनी जल्दी यहाँ से जाओगे। जी हाँ, वो मेरी पहली रोमांटिक फिल्म थी, रोमांस और महाकाव्य के लिए मुझे पॉजिटिव फीडबैक मिला था। वो फिल्म मतलब हम वो लव स्टोरी अभी देख सकते हैं, हैं? ब्रांडो। अरे रे, बाप रे। सॉरी सर, MGR स्लिप हो गया था। इधर आकर प्रोजेक्टर ऑन करो। ओके सर। प्यार हो गया तुमसे, प्यार हो गया मेरी जान हो तुम। इस फिल्म से तुम ऑडियंस को क्या मैसेज देना चाहते हो? मैंने बताया ना, इसमें लव फीलिंग्स हैं। लव फीलिंग इसमें ऐसा कुछ है? क्यों, देखी नहीं? इसमें सब कुछ था पर अलग किया था सत्या। म्यूजिक कॉमन है, सिनेमेटोग्राफी कॉमन है, दोनों कलाकार अपने कैरेक्टर में कहीं नजर नहीं आते। ऐसा लगता है जैसे लाशों को मेकअप करके कैमरे के सामने खड़ा कर दिया गया है। ये आज की हीरोइंस हैं जो सुबह हिंदी में बात करती हैं और दोपहर में तेलुगु की शूटिंग करती हैं, और टाइम मिले तो शाम को मराठी फिल्म, और हीरो वैकेशन के बाद सीधे लोकेशन पर आ जाता है। आजकल एक्टिंग के बारे में कोई भी जरा सा भी सीरियस नहीं है सर, जबकि पब्लिक भी यही सब पसंद करती है। वैसे पुराने आर्टिस्टों के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? हमारे जो पुराने आर्टिस्ट थे उन्हें तुम देख सकते हो कि वो कैसे एक्टिंग किया करते थे,
पहले वो फिल्म के कैरेक्टर को ऑब्जर्व करते थे, इसी वजह से वो आम लोगों के दिलों पे राज करते थे। उनकी एक्टिंग में कितना वेरिएशन होता था, वो अपनी आंखों के एक्सप्रेशन से ही अपनी बात कहकर अपनी एक्टिंग दिखा देते थे। एक्टिंग इज अ लिटरेचर सत्या, नॉट अ फैशन शो। हमें जल्दी कुछ करना होगा सर, मुश्किल में हो सकते हैं। तुम अपना काम करो, हम उन्हें ढूंढ लेंगे। हमारी क्लासिकल मूवीज के बारे में तुम्हें पता है ना, वो सभी लीजेंड्स थे। मैंने भी क्लासिकल मूवीज बहुत सारी देखी हैं, अकिरा कुरोसावा और फिर मजिद मजिदी। हो गया। क्या तुम किसी दो फिल्म इंडियन मेकर्स के बारे में मुझे बता सकते हो? अगर नहीं तो कम से कम किसी एक फिल्म मेकर के बारे में बताओ, तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। सर, इन आर्टिस्टों के बारे में इसे कुछ पता नहीं है। देखो कैसे सोच में पड़ गया, कैसे सोच में पड़ गया। अगर तुम्हें इंडियन फिल्म मेकर्स के बारे में कुछ नहीं पता है, तो बाहर के फिल्म मेकर्स के बारे में जानकर कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हें यहाँ के लोगों के लिए फिल्म बनानी होती है। पहले तुम्हें यहाँ की क्लासिकल मूवीज के बारे में जानना चाहिए, उसके बाद तुम्हारी ये कोशिश होनी चाहिए कि तुम बाहर के फिल्म मेकर्स के बारे में जानो। हाँ बोलो, तुम्हें मुझसे कुछ जरूरी बात करनी थी। मैं प्रेग्नेंट हूँ, तुम्हारे लिए और चपाती लाऊं? कमाल है, इतनी बड़ी खुशखबरी चपाती के साथ बता रही हो। डायरेक्टर सर तो काम में बिजी है ना, फिर मैं क्या करूं? हमें इतनी बड़ी खुशखबरी को जमकर सेलिब्रेट करना चाहिए। चलो ना कहीं बाहर चले। तुम मेरे हाथ के खाने से बचना चाहते हो, इतनी जल्दी तुम्हें छुट्टी नहीं मिलेगी। ए, कहाँ है तुम्हारा पति? वो डायरेक्टर है, मुझसे एडवांस लेने के बाद वो भागने के प्लान में है क्या? सर, ऐसा नहीं है सर, वो तो शूटिंग के लिए गए थे, मुझे नहीं पता। आज की शूटिंग कंप्लीट हो गई है, मुझे प्रेस वालों को बताना पड़ेगा। उससे पहले तुम्हारा पति यहाँ होना चाहिए, वरना तुम सबको मार डालूंगा। चलो रे। क्या विरु विरु मांडी विरु मांडी, कैसा लगा? ब्रांडो, तुम लेकर आए ना? मेरे हाथ में ही है सर। देश में करोड़ों पॉलिटिशियंस हैं, सबने राजनीति को व्यापार बनाया हुआ है, वो सब किसी काम के नहीं। ए फिल्म मेकर, चुपचाप नहीं बैठ सकता तू? इस बार तो तेरे मुंह में कपड़ा ठूसा है मैंने, इसके आगे मैं क्या कर सकता हूँ तुझे पता नहीं है। तुझे एक बात बोलूं, मैं दिखने में सीधा हूँ लेकिन सीधा नहीं हूँ। अगर तू मेरे सवालों का सही जवाब देगा ना तो फायदे में रहेगा। ध्यान से सुनो डायरेक्टर साहब, एक बार और कह रहा हूँ, दोबारा ऐसा मत करना। जरा इधर देखो, वो जो लटक रहा है ना, तुम्हारी तरह हरकत की थी उसने। चंद्रन और गुरु दोनों ही अपनी दिशा से जा रहे हैं, तो ये काम आज ही हो जाना चाहिए ना। हाँ हाँ,
अरे ऐसे कैसे हो पाएगा पिल्लैया? चंद्रन और गुरु दोनों से कह दो कि कल वो छुट्टी ले ले। हाँ मेरे लिए उनसे बात करो, वो दोनों सुबह तक रुक जाएं, उसके बाद रात में निकल जाएंगे। अच्छा ये दोनों दूल्हे के भाई हैं क्या? वो दोनों ग्रह हैं साहब। ग्रह? क्या तुमसे एक सवाल पूछूं? पूछो। इस तरह से फिल्मों के बारे में बात करके तुम्हें क्या मिलने वाला है? ये मूवी पहले ही बन चुकी है, अब इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। सत्या, तुम्हारे अकॉर्डिंग मूवी एक बिजनेस है, पर कई लोगों के लिए यह सिर्फ एक आर्ट है, जैसे किताब का पढ़ना। किताबें पढ़ने से हमें कई जानकारियां मिलती हैं, पर मूवी देखने से हमें कुछ भी हासिल नहीं होता। जैसे कि जब हमें किताबों में कोई डाउट होता है तो हम उसके लेखक से पूछ कर क्लियर कर लेते हैं, बस उसी तरह से ये भी है। ये मूवी तुमने बनाई है तो इसके बारे में जानकारी भी तुम ही दोगे, सही है ना ब्रांडो? हाँ सर, बिल्कुल। Shall we move to your next film, Three Monkeys? हाँ बोलो। एक मिनट। हाँ सर। कला अमृत की तरह है जिसे हर इंसान को अपने जीवन में ग्रहण करना ही चाहिए। तुम्हारी फिल्म थ्री मंकीज का क्लाइमैक्स कमाल का था। तुम्हें पसंद आया? हाँ बिल्कुल। क्यों? क्योंकि उस मूवी में टेक्निकल कुछ ऐसा था नहीं, मुझे लगा पसंद नहीं आया होगा। उसमें नॉर्मल कैमरे का इस्तेमाल हुआ। सत्या, अच्छे कॉन्सेप्ट को एक्सप्लोर करने के लिए इन सब की जरूरत नहीं पड़ती। कैमरा सिर्फ सीन को कैप्चर करने के लिए होता है। एक अच्छा फिल्म मेकर मोबाइल कैमरे से भी एक बेहतर फिल्म बना सकता है, समझ गए? कल मेरी पहली फिल्म का शूट है, फिर हमारे घर बच्चा भी आ जाएगा, तुम मेरे साथ होगी। ऐसा लग रहा है जैसे मेरे सारे सपने पूरे होने वाले हैं। आज मैं बहुत ही खुश हूं। कल तुम मेरे साथ शूटिंग पर चलोगी? नहीं जान, प्रोजेक्ट पर काम करना है, क्लाइंट को डिलीवर करना है। आई लव यू सो मच सभी। दिव्या, इतनी रात में क्या हो गया? क्या हुआ? मैंने डिस्टर्ब तो नहीं किया? हाँ, तुमने डिस्टर्ब कर दिया। हेलो। बोलो। हे। समझ गई। ज़्यादा देर नहीं लूँगी। अगले हफ्ते मेरी शादी है। हेलो। कल मैं तुम्हारे घर आ रही हूँ। तुम घर पे हो ना? बेवकूफ हो तुम। छोड़ो ना सभी। क्या सरप्राइज दिया है? दूल्हा कौन है? वो पुलिस ऑफिसर ना? और उसका नाम अनवर है ना? तुम्हारी फैमिली मान गई? बड़ी लंबी कहानी है, कल मैं मिलकर बताती हूँ। ठीक है चल, कल मेरा वर्क फ्रॉम होम है। ओके सभी, बाय। बस भी करो। I don't want to disturb you. ओके ओके, बाय। दिव्या शादी कर रही है और कल वो मुझे इनवाइट करने घर आ रही है। हाय। हाय। मुझे आने में देर हो गई। अनवर, ये सावित्री है, डायरेक्टर सत्या की वाइफ। मैंने बताया था ना तुम्हें? शादी में आ रही है ना? एक्चुअली देयर्स अ प्रॉब्लम। व्हाट प्रॉब्लम? हर हस्बैंड इज मिसिंग। What? Satya? सर, लंच रेडी है सर। ब्रांडो, ये क्या है? चार्ली चैपलिन सर। चार्ली चैपलिन इतना मोटा कैसे हो गया? ओके, लंच रेडी। चलो सत्या, आज हम साथ में लंच करेंगे। ब्रांडो कमाल का खाना बनाता है, चलो। Hmm.
क्या है? बैठो सत्या, बैठो सत्या। ए, खाना निकालो। थोड़ा और निकालो। अरे देख क्या रहे हो, खाओ ना सत्या, खाओ ना। मेरे करीब मत आना, शूट कर दूंगा, शूट कर दूंगा। सत्या गन नीचे करो। सत्या गन नीचे रखो, मेरी बात सुनो सत्या। प्लीज रोना बंद करो, सब ठीक हो जाएगा। अनवर सत्या को ढूंढने में तुम इसकी मदद करो। नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में कंप्लेन की है ना? नहीं। क्यों? एक्चुअली हम प्रोड्यूसर की वजह से प्रेशर में थे कि कहीं ये बात लीक ना हो जाए। लोगों ने कहा कि मुश्किल हो जाएगी इससे। सी, जब तक कंप्लेन नहीं होगी मैं कोई हेल्प नहीं कर सकता हूँ। और तो और हमें ये नहीं पता है कि इसके पीछे कौन है, आखिर किसी ने उसे किडनैप क्यों किया है या फिर वो कहीं खुद चला गया है। बट तुम उसे ढूंढ सकते हो ना? नो दिव्या, मैं डिपार्टमेंट के बिना कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। I'm not a private detective. Sir, please, sir, मेरी help कीजिए, please. देखो सावित्री, हाँ बोलो राज। एक्सीडेंट? हे सावित्री, सावित्री। अच्छा तुम्हारे पहुंचने से पहले ही वो मर गई थी? नहीं नहीं, वो मेरे पहुंचने के बाद मरी। सत्या क्या हुआ, आर यू ऑल राइट? हमेशा तुम अपने सपनों में खोए रहते हो। खाना खा लो, आज हमारे साथ लंच करो, ब्रांडो अच्छा खाना बनाता है, चलो। ऐसी सिचुएशन में तुम्हें हिम्मत रखनी होगी, जरा संभल के। प्लेट दे। पास नहीं आना, शूट कर दूंगा। गन नीचे रख दो। शूट कर दूंगा। ए, बिल मेकर, मेरी बात सुनो, गन नीचे रखो। गन नीचे रखो सत्या, गन नीचे रखो, गन नीचे रखो सत्या। ए,
प्रभात, कहाँ पहुंच गया है? तुमने सारा काम कर दिया, सभी रेडी है ना? यस सर। सर वो कार में ये छोड़ गए थे। ब्रांडो, ये क्या है? कंजूरिंग ब्लैक सर। बकवास बंद करो, क्या ये? सॉरी सर, भूल गया था। हे प्रभात। सर यही सत्य है। मैंने एक आर्टिकल में इनके फिल्म थ्री मंकीज के बारे में पढ़ा था सर। उसके बाद थ्री मंकीज काफी अच्छी फिल्म बनाई है सर। ये हमारे काम के लिए बेस्ट है। अभी ये हमारे पड़ोस में ही शिफ्ट हुए हैं सर। आज भी ये हमें सोने नहीं देंगे। मुझे शांति से अपनी वाइफ को किस करने दो यार। सॉरी सर, मैं इसी दिन के इंतजार में आपके साथ था, पर यही सही है सर। आपको लगा कि मैं आपके साथ हूं। डायरेक्टर सर, बिना टाइम वेस्ट किए अब हम अगली फिल्म की तरफ बढ़ेंगे। प्रभात, तुमने लंच किया? नहीं सर। आज हमने भी अभी लंच नहीं किया है। डायरेक्टर साहब ने खाना बर्बाद कर दिया। ब्रांडो, और कुछ है क्या खाने के लिए? सिर्फ ब्रेड बची हुई है सर। ठीक है, गरम करके दो, तब तक हम लोग अगली फिल्म देखते हैं। बटरफ्लाई। हाय मुरली। हाय, हेलो सर। कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं सर? गुड, थैंक्स। मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए थी। हाय अनवर, वो जो केस वाली रिपोर्ट है ना, वो शाम तक कमिश्नर साहब के पास पहुंचा देना, भूलना मत। ओके। बताइए सर, मैं क्या मदद करूं आपकी? सत्या, इसका नंबर जब स्विच ऑफ हुआ था उस समय की मुझे लोकेशन चाहिए। और ये सावित्री है, इस मोबाइल नंबर को टेप करो। इस केस की डिटेल चाहिए आपको? अभी FIR नहीं हुई है, इट्स अ प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन। सर ऐसा करने से कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? अगर होगी तो मेरा नाम बता देना। ओके सर। ओके। ये लोग हम जैसों की मदद कभी नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे, कभी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हमारी लाशों पर महल बनाने वाले लोग हैं। ये वो फिल्म नहीं जिसे पब्लिक पसंद करती है सत्या। तुम ये क्या कह रहे हो? मैं कुछ समझा नहीं। तुम्हें हॉलीवुड स्टाइल में मूवी बनानी चाहिए, पर तुम गलत मैसेज दे रहे हो। तुम क्या कहना चाहते हो? हम हॉरर मूवी नहीं बना सकते? हॉरर मूवी बनाना कोई गुनाह है क्या? ये गुनाह है। ये फिल्म लोगों के लिए बेकार है सत्या। लोगों को ऐसी फिल्म देखने से क्या फायदा होगा सत्या? हाँ, ये तो बस एक फैंटेसी मूवी है। तुम इसे रियल लाइफ से कंपेयर कैसे कर सकते हो? इट्स अ काइंड ऑफ मूवी, ये ऑडियंस की डिमांड पर बनती है। डायरेक्टर हिचकॉक ने भी हॉरर मूवीज बनाई हैं। ये बहुत ही अच्छा बोलता है डायरेक्टर साहब, बड़े बड़े डायलॉग्स एकदम आसानी से बोल सकता है। सर अंदर हैं क्या? डायरेक्टर सर काफी परेशान है, असिस्टेंट डायरेक्टर ने गलती कर दी और पूरा माहौल बिगड़ गया। सर मैंने उस डायरेक्टर पर भरोसा करके उसे काम दिया था। अब ऐसी बातों का क्या फायदा सर? वैसे अभी तक हमारा कोई ऐसा कोई खास नुकसान तो हुआ नहीं है सर। मेरी पहचान में एक अच्छा बंदा है जिसके पास बहुत अच्छी स्क्रिप्ट पड़ी है सर। स्क्रिप्ट अच्छी खासी फाइनल हुई है। अगर आप हाँ कहते हैं तो मैं सर से बात कर सकता हूँ।
आप जरा ज्यादा सोच रहे हैं, उसकी कॉल शीट मिलना इतना आसान नहीं है बॉस। ठीक है सर, हम उससे बात कर सकते हैं। सर से बोलिए कि मैंने हाँ कह दिया। ठीक है, मैं सर से बात करके आपको कॉल करता हूँ। ठीक है सर। हेलो दिव्या। बोलो अनवर, कोई डिटेल्स मिली क्या? अभी तो नहीं मिली है, उम्मीद है कि जल्दी मिल जाएगी। मैंने सावित्री का फोन टिप पे लगा दिया है, और अगर उसे कोई कॉल आए तो 30 सेकंड से ज्यादा बात करने को कहो, और अगर किडनैपर ने कोई डिमांड की तो मुझे बता देना। ओके। अभी सावित्री कैसी है? अभी तो ठीक है, प्रेयर कर रही है। ओके, बाद में बात करता हूँ। ओके अनवर। सर चलिए साफ करते हैं। अरे तुम लोगों के पास भी खबर पहुंच गई। क्या हुआ फिल्म मेकर? मुझे अपना फेस वॉश करना है। ठीक है जाओ। हेलो, मैं सत्या बात कर रहा हूँ। हेलो सत्या, कहाँ हो तुम? लोग कह रहे हैं कि तुम भाग गए हो। ऐसा कुछ नहीं है, तुम परेशान मत हो। हेलो 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 सत्या, तुम्हारी किस्मत अब तुम्हारे साथ नहीं है। हाँ सत्या, तुम्हारा काम अच्छे से हो गया। चौंक क्यों रहे हो? मैं बाथरूम में साफ सफाई की बात कर रहा हूँ सत्या, तुम इतने डर क्यों गए? मैं अपना फेस सुखाना भूल गया था। हो सकता है तुम्हें इस लाश की वजह से उल्टी आई होंगी, है ना? हमें इसकी आदत पड़ चुकी है। ठीक है, हम वापस अपने काम पे आते हैं। तो हम तुम्हारी लास्ट मूवी की बात कर रहे थे, जैसे कांस फिल्म फेस्टिवल में अवार्ड भी मिला है, अब उसे देखेंगे। माँ, माँ जी, मुझे भीख दे दो। अबे बेवकूफ, ये कोई मूवी है? बेवकूफ कहीं के, तुम लोग किसी काम के नहीं हो, ऐसी बकवास फिल्म बनाते हो। तुम्हें जीने का कोई हक नहीं। डायरेक्टर की परमिशन के बिना किसने तुमसे ये सीन ओपन करने को कहा? सच में कमाल की फिल्म बनाई है सत्या, ये फिल्म तुम्हारी बेस्ट फिल्म है। इसमें तुमने हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन सभी धर्मों को हमारे देश के झंडे में पिरोया है, खासकर से हर धर्म के रंगों को तुमने बहुत अच्छे से पिरोया है। तुम आर्ट फिल्म्स लवर हो? फिल्म कमर्शियल हो या आर्ट, सभी फिल्में खुद में एक आर्ट होती हैं। इट्स अ बिग कलेक्शन ऑफ आर्ट सत्या।
हेलो सर, मिसिंग पर्सन की लास्ट कॉल वसई रोड के गणपति स्ट्रीट टॉवर से ट्रेस की गई है सर। इसके अलावा एक और नंबर से उस नंबर पे कॉल रिसीव की गई है सर। उसकी वॉइस रिकॉर्डिंग मैंने इस पेन ड्राइव में रख दिया सर। जानकारी के लिए आपको बता दूं, जिस नंबर को हम ट्रेस कर रहे हैं वो किसी प्रभात के नाम से रजिस्टर्ड है सर। थैंक यू। बताओ, लोग फिल्में क्यों देखते हैं? बस टाइम पास करने के लिए सर। पता नहीं अपनी बातों से और कितना टॉर्चर करेगा। क्या टाइम पास करने के लिए? तो तुम्हें सिनेमा की इतनी ही समझ है? तभी तो साल में 100 से ज्यादा फिल्में फ्लॉप होती हैं। इट्स अ वैल्यू सत्या, वैल्यू। वैल्यू लोगों की समझ होती है और तुम्हें उसे समझना है। लोग फिल्में अपनी वैल्यू को इंक्रीज करने के लिए देखते हैं। वैल्यू इंक्रीज करने के लिए हिमालय पर जाना या योगा की जरूरत नहीं होती है। अच्छी फिल्में ही बहुत होती हैं। तुम्हें अपने आसपास के लोगों को जानना होगा। तुम्हें पता है, हमारे गांधी जी हरिश्चंद्र ड्रामा देखने के बाद ही इतने महान बने थे और आज उनकी वजह से ही हमें आजादी मिली है। इतना छोटा सा देश आखिर कैसे इतनी क्लासिकल फिल्में इस पूरी दुनिया को देता है? लैटिन अमेरिका, ईरान की फिल्में इतनी क्लासिक क्यों होती हैं? हम भी चिल्ड्रन ऑफ हेवन, बाइसिकल थीफ, बैरन, सेपरेशन जैसी फिल्में देखना पसंद करते हैं। यहाँ पर ये सत्यजीत रे साहब कर सकते थे, लेकिन उन्होंने हमारे साथ नहीं किया। उसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है, उनकी फिल्मों में इमेजिनेशन नहीं होता था। वो अपनी फिल्मों में जीवन की घटनाओं और संस्कृति की जानकारी दिया करते थे, समझ गए? उनकी फिल्में सत्य घटनाओं पर आधारित होती थी, इसीलिए हम आज भी उनकी फिल्मों को याद करते हैं। आज बहुत सारी भाषाओं में बहुत अच्छी फिल्में बन रही हैं, लेकिन उसके साथ साथ लोग बहुत बड़ी बेवकूफी भी कर रहे हैं। सर, मैं आपकी सारी बात मानता हूँ, लेकिन आज हमारा कल्चर कहाँ पर है? आज के फिल्म हमारी आज की जिंदगी पर आधारित होती है। हमारी जिंदगी आज मैकेनिकल बन चुकी है, तभी तो हम अपने फिल्म्स में इमेजिनेशन को जगह देते हैं, है ना? पर इसमें गलत क्या है सर? सत्या, तुम अपने आसपास के लोगों के बारे में क्या जानते हो? एक भिखारी रास्ते में भीख मांगता है और तुम उसे भीख भी देते हो, पर तुम्हें उसकी जिंदगी के बारे में कुछ पता है? ये सब जानने के लिए उनके साथ जीना होगा। और वो सफाई कर्मी, तुम्हें पता है कि वो अपनी जिंदगी गटर साफ करके और कचरा उठाकर कैसे जीते हैं? क्या उनके बारे में जानते हो तुम? सड़क पर फल बेचने वाले, सड़क बनाने वाले आखिर कैसे जीते हैं, उनके बारे में जानते हो तुम? तुम्हें मजदूरों के मुश्किलों के बारे में कुछ पता भी है? इमेजिन करने से अच्छा है कि तुम उनके साथ जियो, रहो, फिर उनके बारे में कुछ बनाओ, तब जाकर बात सच्ची होगी। तुमने अभी क्या कहा था? तुमने कहा था कि यहाँ पे कला कहाँ है? एक बात जानते हो तुम, हमारी संस्कृति यहाँ के सड़कों पे रहने वाले लोगों पे आधारित होती है। ये बातें डिस्कशन के लिए अच्छी है, जबकि मैं इस पर बात कर चुका हूँ, पर पहले हम किसी अच्छे प्रोड्यूसर के साथ फिल्म बनाने की सोचते हैं, तभी आपको ये पता चलता है कि फिल्म में क्या सूट करा है, कमर्शियल या कल्चरल। तुम कौन हो मुझसे ये सवाल पूछने वाले? मेरी चार फिल्मों का रिव्यू देकर अपनी भड़ास निकाल रहे हो? क्या है ये कल्चर, क्या है जिंदगी, क्या है? इन बकवास आइडिया से तुमने कुछ किया है क्या? एटलीस्ट ट्राई तो किया होगा। ये नुक्कड़ ड्रामा करके कब तक अपनी बातें वेस्ट करेंगे? ये प्लेस सिर्फ सड़कों पर ही अच्छे लगते हैं और कुछ भी नहीं। तुम्हें लगता है मूवी ऐसे बनती है? अब इसे समझ में आएगा। तुम लोगों को लगता है कि नुक्कड़ नाटक बकवास होते हैं और तुम यहां बैठकर उनकी बेइज्जती करते हो? तुम्हें पता है कि आखिर उस कला की कीमत क्या होती है? तुम्हें पता है उस कला पर कितने लोगों का जीवन निर्भर करता है? नुक्कड़ नाटक करना इतना आसान नहीं होता, उसके लिए बहुत तपस्या करनी पड़ती है। प्रभात जी सर, ब्रांडो सर, तुमने गलत जगह पे गलत लोगों के बीच गलत बात कही है सत्या। वंदे तू वंदन किया जो भी होना है वो कभी कोई भी ना जाने, जी भर के हमने तो वंदन किया। घबरा के पापी भागे अब ऐसा होना है, घबरा के लोगों ने वंदन किया।
हाथों में पकड़ी है तलवार भी हमने, करना है देखो हमको भूत आज फंदे में, ये होगा कैसा होगा आएगा ना सुनने में, कांपेगी ये धरा भी मेरे आगे चलने में, होगा मुकाबले में कोई भी ना मेरे तो, होगा मुकाबले में कोई भी ना मेरे तो, बंदे तू बंदे तू बंदे तू बंदे तू, बंदे तू बंदे तू बंदे तू बंदे तू, धोखे से चाहे कोई तीर मारे सीने में, प्याला जहर का भी ना हटेंगे पीने में, धोखे से चाहे कोई तीर मारे सीने में, प्याला जहर का भी ना हटेंगे पीने में, प्याला जहर का भी ना हटेंगे पीने में, प्याला जहर का भी ना हटेंगे पीने में, बंदे तू बंदे तू बंदे तू बंदे तू दे तू बंदे मैया बंदे ना दिन मुझे वो भूलते तो नहीं है, भूलते ना दिन मुझे वो भूलते तो नहीं है, कल की जैसे बात है दिन भूलते वो नहीं है, कल की जैसे बात है दिन भूलते वो नहीं है, छोटे यही मेरे जीने का सहारा है, मैंने इसी का अभ्यास किया है। कर्नाटक में अब कोई फायदा नहीं है, तुम कोई और काम ढूंढ लो, मैं चलता हूँ। ठीक है भाई। हो गए कैसे खो गए वो कैसे जो तो कभी ना खोने थे, क्यों ये हारा है ये बेचारा इधर क्या ये ढूंढे रे, आखिर क्यों सब होता है ये दुख क्यों मिलते हैं बड़े लोग से, वक्त गुजरे देखो तो कैसे खत्म
வீரர்களை மடிப்பகவான் சூட்டு கட்டோலி சார் 20 பேர் சொல்லுங்க இப்போ சார் எப்படி சார் ஈஸ்ட் 20 சார் हेलो मैं सत्या बात कर रहा हूँ। हेलो सत्या, कहाँ हो तुम लोग? कह रहे हैं कि तुम भाग गए हो। ऐसा कुछ नहीं है, तुम परेशान मत हो। हेलो मैं सत्या बात कर रहा हूँ। हेलो सत्या, कहाँ हो तुम लोग? कह रहे हैं कि तुम भाग गए हो। ऐसा कुछ नहीं है, तुम परेशान मत हो। फिल्म मेकर, तुझे क्या लगता है कि ये हॉलीवुड फिल्मों से प्रेरित है? तुझे पता है ये कौन है? इनका भी एक सपना था कि ये बहुत बड़े डायरेक्टर बनेंगे। मजबूर लोगों की जिंदगी का आईना लोगों को दिखाना चाहते थे। नुक्कड़ नाटक और उसके कलाकारों का जीवन अपनी कहानी के जरिए लोगों को दिखाना चाहते थे, ताकि हमारी संस्कृति के बारे में लोग जान सकें। इन्होंने फिल्म के लिए एक अच्छी कहानी लिखी। उस कहानी के लिए ये 2 सालों तक फिल्म इंडस्ट्री में घूमते रहे। वहाँ के लेबर्स, ड्रामा आर्टिस्ट और मजबूर लोगों के जीवन की जानकारियाँ इकट्ठा करते रहे। मजदूरों को सांस संबंधित संक्रमण से बचाने के लिए उन्होंने एक अलग तरह का मुखौटा तैयार किया, पर इनकी पत्नी को इनका काम कभी पसंद नहीं आता था। वो हमेशा इनसे झगड़ा करती रहती थी, पर इनका सिर्फ एक ही उद्देश्य था कि अपने समाज के लोगों के लिए एक अच्छी सी फिल्म बनाई जाए। ये उसी की कोशिश में लगे रहते थे। तो मतलब ये प्रोड्यूसर बनना चाहते थे? काफी ट्राई किया सर, जबकि 3 दिन की शूटिंग भी हो गई थी, पर 2 तो मेन लीड के रोल के लिए इन्होंने ऐसे 2 लोगों का चुनाव किया जिन्हें समाज से निकाल दिया गया था। वो 2 नपुंसक समुदाय के लोग थे जिनका नाम रानी और मंगला था। इसके अलावा इन्होंने हमें भी अपनी फिल्म में जगह दी, एक ड्रामा आर्टिस्ट और दूसरा कलाबाज। इन्होंने ल्यारकाई का नाम ब्रांडो रख दिया। 3 दिन तक शूटिंग बहुत अच्छी चली, पर 3 दिन शूटिंग के बाद उस एरिया के एक बाहुबली ने रानी और मंगला को किडनैप कर लिया और उसके लोगों ने इन दोनों को अपने हवस का शिकार बनाया। उस घटना में मंगला घायल हुई और खुद को बचाने की कोशिश में उसकी मौत हो गई। रानी, जिसने ये सब अपनी आंखों से देखा था, वो पागल हो गई। जब हमें यह खबर मिली तो हमें बड़ा आश्चर्य हुआ। इस घटना के बारे में सोचकर सर को बहुत गुस्सा आया और इसका बदला लेने के लिए सर ने उन लोगों को बहुत मारा, पर इससे और ज्यादा अशांति फैल गई। हमने फिर पुलिस कंप्लेंट की, पर पुलिस के सामने पैसों की जीत हुई और हमारी फिल्म वहीं खत्म हो गई। और इसी वजह से कोई भी प्रोड्यूसर इस फिल्म को बनाने के लिए तैयार नहीं हुआ। इस मुश्किल के बीच इनकी पत्नी ने भी अपना मंगलसूत्र उतारा और इन्हें हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चली गई। इतनी सारी बेइज्जती के बाद इन्होंने अपने ही मुखौटे से अपनी पहचान छुपा ली और इन्होंने फैसला किया कि अब ये इस दुनिया को अपना चेहरा कभी नहीं दिखाएंगे। हम रानी को इस पूरे समाज के हवाले नहीं करना चाहते थे, उसे ही क्या, लेकिन हम चारों ने भी एक दूसरे का साथ कभी कभी नहीं छोड़ा सर। Hey, stop it! ये क्या?
क्या बेवकूफी कर रहे हो? सत्या, हम चाहते हैं कि तुम अच्छी फिल्म बनाओ, ना कि तुम्हें मारना चाहते हैं। थ्री मंकीज और बाकी फिल्में बनाकर तुमने प्रूव भी किया है, तुम्हारे अंदर काबिलियत है सत्या, तुम्हारे अंदर वो थॉट्स, वो स्किल्स है सत्या। मुझे पूरा विश्वास है कि तुम हमारा उद्देश्य और हमारा दर्द समझ गए होगे सत्या। इसमें जान देने वाली कौन सी बात है? तुम्हें लगता है तुम्हारी मौत से मैं ये कर पाऊंगा? ऐसे ही लोग आजकल एक्सीडेंट के जिम्मेदार हैं। अरे बाप रे, अरे बाप रे, आराम से आराम से। चोट तो नहीं लगी? कुछ चोट तो नहीं लगी आपको? कुछ नहीं। सत्या, सिनेमा में मौका मिलना एक वरदान की तरह होता है, वो वरदान हमें नहीं मिला, हम बदनसीब थे, मगर वो मौका तुम्हारे पास है और तुम इसका अच्छा इस्तेमाल कर सकते हो सत्या। हम फैसला अपनी कलम से लिखते हैं और हमारा फैसला हो चुका है। हमारी मौत का बीज तभी काम करेगा जब इसे अच्छे से बोया जाएगा, और एक अच्छी फिल्म भी एक अच्छे बीज की तरह होती है सत्या, उसकी शुरुआत अच्छी होनी चाहिए सत्या। हमें जाना होगा सत्या, हमें जाना होगा। अरे बाप रे, आराम से आराम से। कुछ नहीं राज। नो नो नो, प्लीज प्लीज स्टॉप इट। तुम लोग ये बेवकूफी क्यों कर रहे हो? सुसाइड इसका सॉल्यूशन नहीं है, प्लीज रुक जाओ यार। ऐसा नहीं है सत्या, कुछ करने के लिए बलिदान देना भी जरूरी होता है। तुम तो जानते हो कि आजादी के लिए ना जाने कितने लोगों ने बलिदान दिया। मौत से कम लोगों के बीच में चिंगारी जलती है, लोगों के अंदर जोश आता है। हमारी भी मौत साधारण नहीं है, बिल्कुल नहीं है। हमारी मौत भी एक क्रांति लेकर के आएगी और जो फिल्मों का भविष्य निर्धारित करेगी सत्या। इसलिए हमें फिल्मों के लिए अपना बलिदान देना ही होगा सत्या, देना ही होगा। नहीं प्लीज प्लीज। मेरी कहानी किताबों और नुक्कड़ों पे बताना, इससे कई शहरों में पहुंचाना, मेरी कहानी पूरी दुनिया को सुनाना। सुन रहे हो मेरी बात? फिल्म मेकर सर, आप अच्छी फिल्म बनाएंगे ना? नहीं ब्रांडो। ऐसा मत करना प्लीज प्रभात, प्लीज खुद को नुकसान मत पहुंचाना, हम साथ मिलकर अच्छी फिल्म बनाएंगे ना, प्लीज। हाँ प्रभात, मेरी बात सुनो, ऐसा मत करो। ब्रांडो, ब्रांडो।
प्लीज ऐसा मत करो, मैं तुम्हारा नाम भी नहीं जानता, मैंने तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखा, प्लीज। मैं लूजर हूं सत्या, और लूजर की कोई पहचान नहीं होती, मुझे मर जाने दो। प्रभात, मेरा फैसला सही है, मगर इसका यह मतलब नहीं कि तुम भी मेरे साथ मौत को गले लगाओ। तुम्हें जीना चाहिए प्रभात। डंग
हे ब्रांडो, मेरे पास लिस्ट है, इसके सारे सामान खरीद लेना और सत्या के फिल्म लैब से निकाल कर उसे फिल्म रोल में कन्वर्ट कर लेना, क्योंकि फिल्म रोल में ही सच्ची चीजें दिखाई देती हैं, क्योंकि लोगों के सामने सच्चाई पहुंचनी जरूरी है, झूठ नहीं, और लोगों के सामने सच्चाई पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है। ए, तुम जरा लो एंगल से शॉट लेना। ओके। ए, हाँ? तुम्हारा कब तक इंतजार करूंगा मैं? बस 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 दो। अगर तुमने ऐसा ही किया तो तुम्हें अगली फिल्म से निकाल दूँगा। सॉरी सर, सॉरी। प्रभात, अपना बैग तो बदल लो, काफी पुराना हो गया है। कल बदल दूंगा सर। प्रभात, ये फिल्म सत्या के नाम से रजिस्टर कर दो। सर, सत्या सर इसे स्वीकार करेंगे? सर, शॉट रेडी है। सरिंग दादा, चाय वाय पूछ लो जरा। किशोर, वो तीनों लड़के कैमरे से खेल रहे हैं, उन्हें बताओ कि ऐसे नहीं होता है। त्यागू, स्मोक रेडी रखो तुम लोग। हेलो सत्या। हेलो सर। हेलो, हाय। हाय। आपको बता दूं कि आपकी फिल्म को फाइनेंस मैंने ही किया है। थैंक यू। और मैंने सुना है कि स्क्रिप्ट भी बहुत अच्छी है। अगर आनंदन थोड़ा इंतजार करता और ज्यादा मेहनत करता तो शायद उसकी फिल्म बन जाती। मुझे उम्मीद है कि अगर आपने इस फिल्म को बनाने का तय किया है तो आप अच्छी ही फिल्म बनाएंगे। किसी भी प्रॉब्लम का सलूशन सुसाइड नहीं हो सकता। ओके, ऑलराइट, आई डोंट वांट टू वेस्ट योर टाइम, कंटिन्यू विद योर वर्क। हेलो सर। हाँ, हम निकल रहे हैं सर। ओके सत्या, बाय। सर, जरा एक मिनट। अब मैं सत्या नहीं रहा, मेरा नाम है आनंदन। सर, मैं रेडी हूँ सर। हाँ, डायलॉग्स याद कर लिए हैं ना? ठीक से याद हो गया। दीपन, एक काम करो, इन्हें पोजीशन बता दो। ओके सर, चलिए। ये
ये तुम्हारी पोजीशन है, समझ गई ना? जरा राइट में चलो, राइट में, लेफ्ट में, तुम लेफ्ट में, हाँ, और बस बस ओके। सर रेडी है सर, ऑर्डर दीजिए ना सर। Action!